most welcome at Feel at Home. This is Sukhanti Goswami. I'm taking English grammar class at Feel at Home. As you all know, we have started MCQ series. So dear learner, quickly keep on joining. Come fast. It's time to know yourself. How much have you learned? And how much you will have to learn. तो इस टाइम को वेस्ट न करें, ये टाइम आपके लिए बहुत यूजफुल है. कम फास्ट डियर लर्नर, आई एम वेटिंग फॉर यू. वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू. एंड बिफोर स्टार्ट द क्लास, मेक मी कन्फर्म audio video is everything fine. Yes, make me confirm. Hello everyone. Yes, very good afternoon Bhavesh, Sonali, Mayur. Very good afternoon. आज हम क्वेश्चन सीरीज लेके आए हैं जो सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जो सीटेट की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी, और जो KVS या NVS की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी. दिस इज अवर फिल फॉर्म प्लेटफॉर्म जो सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल है. यहाँ पर आपको सभी लाइव क्लासेस फ्री मिल रही हैं, बिल्कुल विदाउट एनी कॉस्ट. हाँ, सी टेट वालों के लिए भी ये क्लास बहुत यूजफुल है, और जो KVS NVS की एच टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत यूजफुल है. तो सभी स्टूडेंट्स लास्ट तक सभी क्वेश्चन सीरीज देखेंगे और अपने आप को चेक करिएगा कि आप लोगों को कितने आते हैं. अगर आप लोगों ने मेरी सभी क्लासेस नहीं की है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन सीरीज मोर इम्पोर्टेंट. जब हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पेपर में बैठते हैं, तो सब माइंड से यही लगता है कि हमने कुछ नहीं किया. हमें माइंड में ऐसी सेंस रखनी चाहिए कि हमें आए या ना आए, हमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करना आना चाहिए. ओके, थैंक यू मयूर जी. अच्छा, आप सीटेट की तैयारी नहीं कर रहे हैं फिर भी मेरी क्लास देख रहे हैं, थैंक यू. देखो यहाँ पर आपको लाइव क्लास, नोट्स, PDF, मॉक टेस्ट, PYQ पेपर, क्लास डाउट्स सब आपके यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं. वेरी गुड आफ्टरनून जैनकिंग कुमारी जी. देखो इंग्लिश ग्रामर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो. यहाँ पर आपको सीटेट के फर्स्ट और सेकंड पेपर की तैयारी करवाई जाती है. तो आप लोग ऐसे चांस ना छोड़ें, बड़ी मुश्किल से ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पर हमें कुछ करने का, कुछ सीखने का मिलता है. चलो एक बार सभी बता दें, स्टार्ट करें टेस्ट. यस, वेरी गुड आफ्टरनून दीपा जी. चलो एक बार सभी थम कर दें, फिर हम क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं. ओके,
फर्स्ट क्वेश्चन अभी आ रहा है आपके सामने, तो बी रेडी और टाइम के अकॉर्डिंग आप आंसर दीजिएगा। सबसे बड़ा खेल हमारा टाइम का होता है। कोई भी हम एग्जाम देते हैं, तैयारी सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी करते हैं, बस थोड़ा सा टाइम अगर 1-2 सेकंड का भी फर्क रह जाता है तो हमारे क्वेश्चन गड़बड़ हो जाते हैं बिल्कुल। तो टाइम से पहले करने की कोशिश करें। वेरी गुड आफ्टरनून गिरजा जी, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन द स्क्रीन, देखते हैं कौन सबसे पहले आंसर देता है। टाइम स्टार्ट हो चुका है। अ टीचर डिजाइन्स अ टेस्ट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ द पुअर ग्रेड्स ऑफ हर लर्नर्स थ्रो। अभी हमें इसमें बताना है कि एक टीचर है जो टेस्ट डिजाइन करता है बच्चे का पुअर ग्रेड जानने के लिए, तो इसमें से कौन सा टेस्ट रहेगा जिसमें हम बच्चे का ग्रेड जान सके और उसकी प्रॉब्लम को दूर कर सके। वेरी गुड आफ्टरनून भावेश जी, बिल्कुल मेरा आशीर्वाद सबके लिए है। मैं तो ये चाहती हूँ जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन करते हैं और जो भी वीडियो भी देखते हैं सबका क्लियर हो जाए, चाहे किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दुआएं मिलना, कई बार क्या होता है मेहनत काम नहीं करती, दुआएं काम कर जाती है, तो मेरी दुआएं सबके लिए हैं। देखो कल भी मैंने आप लोगों को समझाया था, क्वेश्चन में से हमें 1-2 ऐसे वर्ड छांट लेने हैं कि जिससे हम टाइम भी वेस्ट ना करें और आंसर जल्दी से जल्दी दे दे। अब देखो, एक टीचर डिजाइन करता है एक टेस्ट को किस लिए, बच्चे की प्रॉब्लम जानने के लिए। जब हम बच्चे की प्रॉब्लम जानेंगे तो उसको खत्म भी करेंगे। प्रॉब्लम किस लिए जानते हैं, उसको फिनिश करने के लिए, ताकि बच्चे में इम्प्रूवमेंट हो। तो जब प्रॉब्लम को हम दूर करते हैं तो ये समझ लो कि कोई बीमारी है, ठीक है, और उसको डायग्नोज कर रहे हैं। तो आप ऐसे इसमें से कोई भी ऑप्शन छांट ले। ओके, थैंक यू मयूर जी। एप्टीट्यूड टेस्ट कल मैंने बताया था, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन भी आएगा उसका भी क्लियर करेंगे। अचीवमेंट उपलब्धि टेस्ट होता है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जिसमें हम प्रॉब्लम दूर करते हैं, समस्या खत्म करते हैं। प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो आप इसमें देखो बच्चे की प्रॉब्लम जानोगे और उसको दूर करोगे तो कौन सा ऑप्शन होगा। वेरी गुड आफ्टरनून लखनी जी, लेट्स सी आंसर। आंसर विल बी ऑप्शन सी, डायग्नोस्टिक टेस्ट। डायग्नोज, आप उसकी समस्या को दूर करेंगे। ऐसे याद रख लो कि उसकी समस्या को डाय कर दोगे, समस्या को खत्म कर दोगे। डाय से याद रख लो, किसी चीज का हम कोज जानते हैं, कारण जानते हैं, किस लिए, उसको फिनिश करने के लिए डायग्नोस्टिक, ऐसे याद रख लो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यू एंड ही डैश गुड फ्रेंड्स। देखो एक ग्रामर का क्वेश्चन मिलेगा आपको, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है और पेडागोजिकल भी हो सकता है। लास्ट तक ये क्वेश्चन सीरीज ऐसे ही चलेगी क्योंकि ताकि ये सभी बच्चों के लिए यूजफुल रहे, इसलिए मैंने क्वेश्चन सीरीज ऐसे लगाई है। यू एंड ही डैश गुड फ्रेंड्स, और ये मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाए हैं। जिसने मेरी ये क्लास नहीं देखी है, आई रिक्वेस्ट यू टू ऑल कि वो मेरी क्लास जरूर देख लेना। अगर आप लोगों को ये समझ नहीं आए हैं, आपने कभी मेरी क्लास नहीं देखी है, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोग कभी भविष्य में इनको रोंग कर पाओगे। यू एंड ही वॉज गुड फ्रेंड्स, इज गुड फ्रेंड्स, आर गुड फ्रेंड्स,
हैज गुड फ्रेंड्स। अब देखो मैंने समझाया था यू एंड ही जब कंजंक्शन वर्ड से जुड़े होते हैं तो ये दो क्या हो जाते हैं, चलो देखते हैं किसका सही आंसर है। आंसर रहेगा आपका आर। कंजंक्शन वर्ड से जुड़ा हुआ है, वन ये है वन ये है तो टू है। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, ही को क्या समझते हैं सिंगुलर, ही को समझते हैं सिंगुलर, लेकिन हमें यही तो नहीं समझना है। एग्जामिनर इतना स्मार्ट होता है इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा देते हैं। मैं आपके लिए व्हाइट कलर चूज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। देखो यू वन ये है वन ये है, हमें ये सिंगुलर नहीं देखना है, ये कंजंक्शन वर्ड से आपके जुड़े हुए हैं ये भी देखना है। वन यू है वन ही है तो आपके टू पर्सन है यहाँ पर, और टू पर्सन है तो आपका प्लूरल फाइंड करना है आपको। देखो ये भी सिंगुलर है ऐसे कट कर सकते हो, ये भी सिंगुलर है ऐसे कट कर सकते हो, ये भी सिंगुलर है तो प्लूरल क्या बचा आपका, ओनली आर। इज वेरी इजी। वेरी गुड आफ्टरनून धानी जी। देखो आप ऐसे ऑप्शन को कट करके भी देख सकते हैं, और कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में आप तुक्के भी लगा सकते हो ऐसे देख के कि सब एक जैसे हो और एक डिफरेंट है, ओड वन से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। कोई बात नहीं दीपा जी, आप मेरी सभी क्लासेस देख लीजिएगा। अगर कोई आपको पर्सनल हेल्प चाहिए तो आप पर्सनल कॉल कर सकते हो, आई एम ऑलवेज रेडी। किसी भी टाइम आप लोग अगर कोई जरूरत है कुछ पूछना है कॉल कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप लोगों के लिए ही बैठे हैं। ठीक है समझ आया अभी। वैसे मैं सोच रही थी कि एक्सप्लेन ना करूं बट चलो कर देती हूं क्योंकि न्यू स्टूडेंट्स हैं। एक बार सभी बच्चे क्लास को लाइक कर दें शेयर कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर demonstrates in class first। अब देखो इतना बड़ा क्वेश्चन देख के डरना नहीं है और छोड़ना नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन रीड करने की हैबिट कर ले। ओके दीपा जी आपके सभी क्लियर होंगे, बस आप लगे रहिएगा, मेहनत करने वाले की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। देखो अ टीचर डेमोस्ट्रेट्स इन क्लास फर्स्ट हाउ टू राइट द लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट्स। एक टीचर है फर्स्ट क्लास में सिखाता है कि अल्फाबेट लेटर कैसे लिखते हैं। शी डिस्क्राइब्स वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू मूव। वो बच्चों को सिखाती है मैम है कि लेटर कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए। बच्चे को जैसे हाथ से पेंसिल पकड़ के लिखना सिखाते हैं ना कि लेटर कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए और कहाँ तक लेके जाना चाहिए, ऐसे एक टीचर फर्स्ट क्लास में बच्चों को सिखाती है। तो वो क्या ट्राई कर रही है, बच्चों को क्या सिखाने की कोशिश कर रही है, बच्चों को क्या समझाना चाहती है। राइटिंग रबरिक्स, राइटिंग स्किल, मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, हैंड आई कोऑर्डिनेशन। आप इनमें से ऑप्शन फाइंड आउट करें। देखो कोई चीज हम स्टार्ट करते हैं सीखते हैं
तरीका सिखा रही है, ठीक है। तो कहाँ से पकड़े, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ तक लेटर लेके जाएं, चलो देखते हैं। सभी के डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शन आ रहे हैं, लेकिन सही ऑप्शन अभी तक किसी का नहीं आया है। मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, लेट्स सी आंसर। मैकेनिक्स ऑफ राइटिंग, राइटिंग में आप ऐसे ट्रिक बनाओ कि राइटिंग में मैकेनिक बना रही है मैम, राइटिंग समझा रही है। यू एंड आई प्ले, अब की बार ये क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होना चाहिए किसी का भी। यू एंड आई प्लेइंग, बहुत सारे बच्चे देखो इतनी जल्दी में आंसर देंगे इसका, आई को देख के भाग भाग के कि बस मेरा ही आंसर सही होगा, लेकिन ध्यान से देखना दोनों को, यू एंड आई, यही गड़बड़ करते हैं हम बस क्वेश्चन पेपर में। तभी किसी ने कहा है ना कि अधूरा ज्ञान अच्छा नहीं होता। हाँ, भावेश जी ने आंसर चेंज कर दिया। देखो अभी बताया है मैंने, एंड से जुड़े हुए हैं सब्जेक्ट, यू एंड आई, वन ये है वन ये है, लेट्स सी आंसर, ऑप्शन डी। धानी जी ने, महबूब जी ने, वेरी गुड आफ्टरनून महबूब जी, बिल्कुल राइट आंसर दिया है। और सोनाली ने, भावेश ने, फर्स्ट टाइम भावेश जी भी मिस्टेक कर गए थे, वेरी गुड आफ्टरनून पूनम। यू एंड आई प्लूरल आएंगे तो इसमें से आप प्लूरल फाइंड आउट करें, प्लूरल ओनली वन है, वर। लेट्स नेक्स्ट क्वेश्चन। वन पेडागोजिकल है आपका और वन ग्रामर का, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड, और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चंस। एक बार सभी बताएं क्वेश्चन कैसे लग रहे हैं आप लोगों को, अच्छे लग रहे हैं तो एक बार थम करते जाएं। मैंने बड़े दिल से आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई है और बहुत मेहनत लगी है, देखो क्लास को लाइक करते जाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करते ताकि बाकी बच्चों का भी भला हो जाए आपके थ्रू। कमेंट्स बहुत धीमे हो गए हैं, क्या बात है। अ टीचर ऑफ क्लास थर्ड व्हाइल टीचिंग हर लर्नर्स टू लिस्ट आउट द वर्ड्स, एक टीचर है थर्ड क्लास का, थर्ड क्लास के टीचर हैं, क्या कर रहे हैं, टीचिंग कर रहे हैं उनके बच्चों को। देखो आप लोग इसमें से ये भी बता सकते हो कि अगर मैं आप लोगों से पूछूंगी मेल टीचर या फीमेल टीचर, कौन बताएगा, इज दिस मेल और फीमेल टीचर, कैसे पता चलेगा कि आपको ये मेल टीचर है या फीमेल टीचर। आप लोगों को ये भी छांटने आने चाहिए नाउन प्रोनाउन। ओके, थैंक यू एवरीवन। व्हाई टीचिंग हर लर्नर्स टू लिस्ट आउट द वर्ड्स विच डिस्क्राइब द पर्सन और थिंग, टीचर सिखा रही है, एक लिस्ट है वर्ड्स की,
उसमें डिस्क्राइब कर रही हैं व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में सेंटेंस में डिस्कशन के थ्रू। तो ये मैम का कौन सा तरीका है? डिस्कशन के थ्रू सिखा रही है, बोल के सिखा रही है। यस वेरी गुड, फीमेल है, बिल्कुल राइट आंसर। व्हाट इज द वे ऑफ टीचिंग वोकैबुलरी? नो, नोन है ये, लास्ट में एन नहीं दिखाई दे रहा, वोकैबुलरी नोन। अरे आंसर आ गया भाई। वर्ड कनेक्शन, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव इन कॉन्टेक्स्ट, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। तो डिस्कशन के थ्रू सिखा रही है, तो वोकैब से सिखा रही है, तो वोकैबुलरी हो जाएगा आपका। आंसर विल बी ऑप्शन डी, वोकैबुलरी इन कॉन्टेक्स्ट। हमें सिर्फ कुछ वर्ड्स पॉइंट आउट करने हैं। अब देखो इसमें हमें क्या करना है, कहाँ से पता लगेगा? गिवन सेंटेंस है, डिस्कशन के साथ सिखा रही है, तो डिस्कशन आपका कैसे होता है? बस एक ही वर्ड पकड़ लो, चाहे पूरा भी ना लो, डिस्कशन के थ्रू। तो डिस्कशन कैसे होगा आपका? आपस में बोल के डिस्कशन हो रहा है, तो वोकैबुलरी हो गई, ठीक है। क्लास में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना, कोई डिस्टरबेंस नहीं है? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन एंड ही डैश प्रेजेंट देयर। मोहन एंड ही डैश प्रेजेंट देयर। अभी जल्दी जल्दी आंसर दे, टाइम ओवर हो चुका है। ओके थैंक यू एवरीवन, जल्दी आंसर दे क्वेश्चन नंबर 6 का। आज हमारे क्वेश्चन है 30, देखते हैं किसके 30 में से 30 मार्क्स आते हैं। यस वेरी गुड, बिल्कुल सही ऑप्शन आ चुका है। यस लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड एवरीवन, सारे स्टूडेंट्स बहुत इंटेलिजेंट हैं और हार्ड वर्किंग हैं जो लगे हुए हैं। What is engagement with language? आपको ऑप्शन में से फाइंड आउट करना है कि what is engagement with language? Language के साथ किसका इसमें से रिलेशन है? Learners work in and work with language for purpose. Learners learn the rules of language. एंगेज हम करते हैं तो किस लिए करते हैं? पहले हमें क्या होना चाहिए, कोई पर्पज बनाना पड़ता है। लर्नर्स लर्न द रूल्स ऑफ लैंग्वेज, क्या सिर्फ लर्नर लैंग्वेज को रूल्स के लिए सीखता है? सिर्फ लैंग्वेज के रूल्स सीखता है, कोई उसका पर्पज नहीं होता। लर्नर्स डिकोड द वर्ड्स एंड सेंटेंस, लैंग्वेज में सिर्फ क्या वर्ड्स ही एंगेज्ड होते हैं। टीचर वर्क विद लर्नर्स फॉर लैंग्वेज, एक अध्यापक लर्नर के साथ लैंग्वेज के लिए वर्क करता है। पूनम जी हमारी 15 अगस्त से स्टार्ट हो चुकी है सभी क्लासेस। यस ऑप्शन ए, लर्नर्स वर्क इन एंड वर्क विद लैंग्वेज फॉर पर्पस, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है तो हम थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, नहीं तो टाइम ओवर हो जाएगा, फिर बाकी क्वेश्चन बचे रहेंगे। कुछ ज्यादा डिफिकल्ट होगा तो एक्सप्लेन कर दूंगी, अदरवाइज हम कंटिन्यू करते हैं। यू एंड ही डैश गुड स्टूडेंट्स, अभी ये तो आप लोगों के पक्के हो गए होंगे, अभी मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट होगा। यस वेरी गुड,
ऑप्शन ए। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ क्लासरूम इन प्राइमरी क्लासेस हैज कार्टून बुक्स, स्मॉल बुक्स। एक क्लासरूम है प्राइमरी क्लासेस का जिसमें कार्टून की बुक्स हैं, छोटी बुक्स हैं, 10 पेजेस की बुक्स हैं, और विद लॉट्स ऑफ इलस्ट्रेशन एंड न्यूज़पेपर, और न्यूज़पेपर है लर्नर्स के लिए। तो ये क्लासरूम यहाँ पर क्या है, मतलब इस क्लासरूम का क्या मतलब है, क्या कर रहा है ये क्लासरूम में इतनी सारी बुक्स हैं। इनका क्या पर्पज है इधर, कार्टून बुक्स का, स्मॉल बुक्स का, 10 पेजेस की छोटी छोटी बुक्स का, न्यूज़पेपर का, लर्नर्स के लिए यहाँ पर क्या यूज है, ये क्या कर रहे हैं लर्नर्स के लिए। क्रिएटिंग एन एकेडमिक एनवायरनमेंट, क्या ये सारी बुक्स और न्यूज़पेपर स्टूडेंट्स के लिए, लर्नर्स के लिए एक एकेडमिक एनवायरनमेंट तैयार करती हैं। क्रिएटिंग रीडिंग ग्रुप्स अमंग लर्नर्स, क्या ये क्रिएटिंग कर रहे हैं रीडिंग ग्रुप्स लर्नर के साथ, लर्नर के बीच में पढ़ने वालों का ग्रुप तैयार कर रहे हैं। डेवलपिंग रीडिंग हैबिट्स ऑफ लर्नर्स, क्या इससे बच्चों में रीडिंग करने की हैबिट डेवलप होगी। क्रिएटिंग अ प्रिंट रिच एनवायरनमेंट, और क्या प्रिंट रिच एनवायरनमेंट तैयार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखो क्या क्या है, 10 पेजेस क्लासरूम है, कार्टून की बुक्स हैं, स्मॉल बुक्स हैं, 10 पेजेस, लॉट्स ऑफ इलस्ट्रेशन एंड अ न्यूज़पेपर फॉर लर्नर्स। ये सभी चीजें आप यहाँ पर दिखाई गई हैं। जल्दी आंसर दे। एक क्लासरूम है प्राइमरी क्लास, वहाँ पर कार्टून की बुक्स हैं, छोटी बुक्स हैं 10 पेजेस की, और जो न्यूज़पेपर है जो सभी इलस्ट्रेशन किए गए हैं, मतलब चित्रित किए गए हैं, चित्र बनाए गए हैं या लगाए गए हैं लर्नर्स के लिए। तो वो क्या दिखा रहा है कि क्या क्रिएटिंग कर रहा है, यहाँ पर कौन सा एनवायरनमेंट तैयार हो रहा है। Let's see answer. Creating a print-rich environment. Print, चित्रण किया गया है, illustration meaning होता है चित्रण, जैसे हम print out निकालते हैं, तो print-rich environment है, छपे हुए मान लो, ऐसे याद रख लो print से। कैसा environment तैयार हो गया वहां पर, newspaper लगाई हुई है, हो गया आपका प्रिंट रिच एनवायरनमेंट। ही एंड आई डैश वॉचिंग टीवी, टाइम इज गेटिंग ओवर क्विकली। यस, अभी सभी बच्चों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं, सभी ध्यान से देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इस टाइप का वन क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपका 1 मार्क्स पक्का हो गया। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ स्कूल एजुकेशन एज रिकमेंडेड बाय थ्रू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। मुझे नहीं लगता है इसमें किसी का भी क्वेश्चन रॉन्ग होगा, क्योंकि ये पॉलिसी तो सभी ने रट ली होगी, तो ध्यान से दे थोड़ा सा आंसर। यस,
आपने दो ऑप्शन शायद एक जैसे हो गए हैं, तो दोनों में से किसी एक पर आप टिक करोगे तो ठीक है। हाँ, गलती से 5+3+3+4 हो गया दो जगह पे। चलो आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए और सी दोनों ऑप्शन आपके सेम है बिल्कुल, तो ये दोनों राइट है। यस, कई बार मिस्टेक हो जाती है, हमें बस ऑप्शन नहीं रटने, हमें पता होना चाहिए 5+3+3+4। यस, ए भी और सी भी दोनों ऑप्शन सही है। वेरी गुड आफ्टरनून सिमलर, विश्वकर्मा जी, जरीन जी, भावेश जी, पॉलिसी को समझाना है क्या? एजुकेशन पॉलिसी आपको कंप्लीट देखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें ये बनाया गया है ना 5+3+3+4। ठीक है, किसी दिन हम पूरी पॉलिसी समझा देंगे। आई यू एंड ही, डैश बेस्ट फ्रेंड्स। कोई बात नहीं जरीन, आप क्लास देख लेना बाद में। वेरी गुड, सभी का सही आंसर आ रहा है। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी? प्रोडक्टिव वोकैबुलरी क्या है? प्रोडक्टिव से आप इधर से याद रख सकते हो कि जिसे आउट हो रही है। वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी। प्रोडक्टिव वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, जिससे आप आउट कर रहे हैं। जैसे हम लैपटॉप में हो या कंप्यूटर में, हमारा आउटपुट क्या होता है, इनपुट क्या होता है, ऐसे आप याद रख सकते हो। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव को आप आउटपुट समझ सकते हो। ऐसे आप ऑप्शन फाइंड आउट करें। वर्ड्स दैट वी यूज इन राइटिंग एंड स्पीकिंग, वो शब्द जो यूज किए जाते हैं लिखने में और बोलने में, क्या वो हमारी प्रोडक्टिव वोकैबुलरी है? वर्ड्स विच वी मे रिकॉल व्हेन वी स्पीक, या वे वर्ड्स जो हम दोबारा से बोलते हैं, मतलब कि रिपीट करते हैं स्पीकिंग के थ्रू, क्या वो हमारे प्रोडक्टिव वोकैबुलरी है? वर्ड्स विच वी कैन लिसन, आप देखो आप यहां से ऑप्शन कट कर सकते हो। लिसन किया है, इनपुट किया है आपने, समझ में आ रहा है? लिसन सुना है और आपके कान के अंदर गया है, तो ऐसे याद रखो, ये लिसन क्या हो गया, इनपुट, और प्रोडक्टिव क्या है आपका, आउटपुट। वर्ड्स विच वी कैन नॉट लिसन, देखो दो ऑप्शन तो बिल्कुल आउट हो गए आपके। इज इट क्लियर? दो ऑप्शन तो बिल्कुल कट हो गए। फिर आपके पास बचे हैं दो ऑप्शन, इनको फाइंड करो। वर्ड्स विच वी मे रिकॉल व्हेन वी स्पीक, क्या वो शब्द जो हम बार बार बोलते हैं, दैट इज प्रोडक्टिव। या वो वर्ड्स जो हम लिखते हैं और बोलते हैं, लिखते हैं तो क्या करते हैं, हम पेपर पे लिखते हैं तो वो क्या रहता है हमारा, और स्पीक करते हैं तो बाहर निकलता है, लिखते हैं तो हमारे अंदर से बाहर निकलता है। तो ऐसे समझ के आप लर्न कर ले, ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो। लेट्स सी आंसर। ऑप्शन ए,
देखो आप अपने अंदर की चीजें राइट करते हो, तो राइट करते तो क्या होता है, वो आपके अंदर से बाहर निकलती है, ऐसे याद रख सकते हो। स्पीक करते हो तो बाहर निकलती है, आउटपुट होता है, तो दैट इज प्रोडक्टिव वोकैबुलरी। इज इट क्लियर? लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। 1000 रुपीज डैश अ बिग सम। हाँ, ₹1000 डैश अ बिग सम। अब इसमें बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करेंगे, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने देखे होंगे अगर आप लोगों ने एग्जाम अटेम्प्ट किए हैं तो। कई बच्चे क्या करेंगे, सिर्फ रुपीज को देख लेंगे, हमें यूनिट देखनी है। ऐसे ही तो एग्जामिनर कंफ्यूज करते हैं बच्चों को, इतना पढ़ने के बाद भी कोई पेपर क्लियर ही नहीं होने देते। तो बस हमें थोड़ा सा समझना है, हमें दूसरे के माइंड को समझना है और अपना पेपर क्लियर करना है। तो आप एग्जामिनर का माइंड पढ़ सकते हो ऐसे ऑप्शन फाइंड आउट करके, ठीक है। 1000 रुपीज, एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की मेरी क्लास देख लेना। आप लोग सभी न्यू स्टूडेंट्स हैं, आपने कभी मेरी वो क्लासेस ज्वाइन नहीं की है, सिर्फ सोनाली थी स्टार्टिंग से। हाँ, जो हमारी थियोरेटिकल क्लासेस हैं वो जरूर देख लेना, फिर आपकी कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। और 1000 हमें यहां से देखना है, रुपीज एस लगा हुआ नहीं देखना है, एक यूनिट है ये, 1000, ठीक है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। आंसर देखते हैं, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका सही आंसर रहेगा। ठीक है, अभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। यू ही एंड आई, इस टाइप के क्वेश्चन में जानबूझ के लेके आई हूँ, क्योंकि हम आई को, ही को, शी को देख के यहाँ पर आंसर देते हैं, लेकिन हमें ये सब देखने हैं। अगर एक दिन आपकी ये हैबिट बन गई, इनमें से क्वेश्चन पक्के हो गए, तो आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कोई क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। देखो आप ऐसे बना सकते हो, एक ये है, एक ये है, और एक ये है, तो कितने हो गए, ये 3 हो गए। तो 3 के लिए क्या करोगे, प्लूरल करोगे। ये मत सोचो कि आई के साथ एम आता है, नहीं, आई के साथ एम आता है, सबको पता है, इसलिए मिस्टेक करेंगे। यू ही एंड आई, तीनों की बात चल रही है कि तुम, वह और मैं मित्र हैं। 3 मित्र हो गए, 3 फ्रेंड हो गए, तो आपका ऑप्शन रहेगा जो प्लूरल है। इसमें से फिर आप फाइंड आउट करो कि प्लूरल कौन सा है। क्वेश्चन 15 का बी नहीं होगा, प्लूरल फाइंड आउट करो। इसमें प्लूरल, ये सब सिंगुलर है, एम भी सिंगुलर है, वोज भी सिंगुलर है, इज भी सिंगुलर है, तो प्लूरल आपका रहेगा आर। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एक बार क्लास की फीडबैक दें,
आपके और क्वेश्चन बचे हुए हैं, मैंने बोला है 30 क्वेश्चन हैं, 15 क्वेश्चन हुए हैं, तो 15 क्वेश्चन कैसे लगे, क्लास कैसी लगी और क्लास को शेयर करें। वेरी गुड आफ्टरनून पिंकी जी। देखो इतनी अच्छी क्वेश्चन सीरीज है तो लाइक तो बनता है ना। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर रॉन्ग हो सकता है लेकिन क्वेश्चन राइट है। ईच ऑफ हर रूम्स डैश टॉयलेट, ईच ऑफ हर रूम्स डैश टॉयलेट, उसके हर एक रूम किराए के लिए है, टॉयलेट है। ईच, ईच से हमें देखना है और मैंने ये समझा भी रखा है, अगर ईच के बाद ऑफ है तो क्या आएगा, अगर ओनली ईच है तो क्या आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून शोभानाथ जी। ईच ऑफ हर रूम्स, ईच every, let's see answer, option D will be right answer. let's see next question. ये question कल भी लिया था मैंने, ये mostly वो question है जो कल आप लोगों को उसमें दिखाई नहीं दे रहे थे और मैंने promise किया था कि मैं PPT में लेके आऊंगी तो साथ में लेके आई हूँ। हाँ question ये शायद बीच में कहीं आ गया है, 29 number है। Which of the following is a value associated with an inclusive classroom? जल्दी response दें। देखो फिर से वही मिस्टेक हो रही है। हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैल्यू एसोसिएटेड विद इनकल्सिव। इनकल्सिव होता है जहाँ पर एक जैसे बच्चे हो, सिमिलर स्टूडेंट, सिमिलर लर्नर, क्लासरूम है जो सिमिलर है वहाँ पर सब सेम है तो वो क्या करेंगे, एनी वी प्रतिरोध करेंगे या सहानुभूति की भावना होगी, जब एक जैसे लोग होंगे जगह सिमिलर होंगे तो वे एक दूसरे से कैसे गुण सीखेंगे, क्या करेंगे, सहयोग की भावना करेंगे, लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, जैसे गेम में बच्चे जाते हैं, ग्रुप में जाते हैं तो गेम से बच्चे क्या सीखते हैं, कॉम्पिटिशन सीखते हैं या कोलेबोरेशन सीखते हैं, कल भी मैंने ये समझाया था।
यहाँ पर जब एक ग्रुप है बच्चों का, क्लास है, सेम सिमिलर स्टूडेंट है, ये समझ लो गेम के स्टूडेंट्स हैं। तो गेम से बच्चे क्या सीखते हैं? कोलैबोरेशन सीखते हैं, सहयोग की भावना सीखते हैं। तो इसमें सहयोग कहाँ से मिलेगा? कंपटीशन से? नो, यहाँ पर कोलैबोरेशन है आपका, सहयोग। इनक्लूसिव क्लासरूम आपका एसोसिएटेड है कोलैबोरेशन से। कमेंट्स नहीं आ रहे हैं। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। इफेक्टिव लर्निंग टेक्स प्लेस व्हेन स्टूडेंट्स आर। इफेक्टिव लर्निंग कब मानोगे आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून फरहान। प्रभावशाली शिक्षण कब मानोगे? जब बच्चे शांत बैठे रहेंगे, बच्चे ओनली पेपर की तैयारी करते रहेंगे, या बच्चे आपस में कुछ पूछेंगे, टीचर स्टूडेंट का कुछ इंटरेक्शन रहेगा, या पैसिव मूड में होंगे? पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय, मतलब कोई क्रिया नहीं करेंगे, ऐसे ही बैठे रहेंगे। तो आप फाइंड कर सकते हो कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही रहेगा। बस मेन थिंग ये है कि आपको इनके थोड़े से मीनिंग पता होना चाहिए। सिर्फ पेपर की तैयारी करने वाले बच्चों जिस क्लास में होंगे, तो वो क्लास का जो शिक्षण है वो प्रभावशाली नहीं होगा। जहां बच्चे सिर्फ शांत करके बिठा दिए, टीचर ने स्टिक दिखा दिया और बोला कि शांत बैठे रहो, बस पढ़ो या ना पढ़ो, बस क्लास में शांत बैठे रहो, तो क्या वो प्रभावशाली शिक्षण रहेगा? बिल्कुल भी नहीं। या फिर वो बच्चे जो कोई क्रिया ही नहीं करते, बिल्कुल ऐसे मूड में बैठे हैं जैसे घर से आए थे वैसे ही बैठे हैं, ना कुछ सीखा है ना किसी को सिखाया है, या फिर वो ऑप्शन सही रहेगा जहां पर इंटरएक्टिव रहते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ, टीचर के साथ कुछ पूछते रहते हैं, सीखते हैं? तो बिल्कुल आसानी से हम बता सकते हैं कि ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। एग्जाम बिल्कुल मुश्किल नहीं आता है, बस हम ऑप्शन को नहीं समझ पाते हैं। एक टीचर बन के आप सोचो, फिर पता चल जाएगा। शिप आफ्टर शिप डैश सेलिंग बाय। शिप के बाद शिप सेलिंग हो रहा है। शिप आफ्टर शिप हैव आर वॉज व। बड़ी जल्दी आंसर आ गया। एक शिप के बाद एक शिप, यहां पर एंड कंजक्शन नहीं है, आफ्टर है, ध्यान रखें, तो वन माना जाएगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच बॉय डैश हैंडसम। ईच बॉय डैश हैंडसम, यस बिल्कुल राइट। ईच बॉय, ईच सिंगुलर की सेंस होती है, बिल्कुल राइट सोनाली, बिल्कुल याद है आपको अच्छी तरह से। मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा है, इसका मतलब इतनी पुरानी क्लास के आपको याद है, बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप। ईच बॉय डैश हैंडसम, तो ऐसे ही इंटरेक्टिव होना चाहिए, तभी इफेक्टिव लर्निंग रहती है। यस, लेट्स सी आंसर। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सभी ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। ईच पेन एंड पेंसिल डैश रेड। अब
अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन भी हमें देखना है। आप बोलोगे कि मैम उसमें भी एंड था और इसमें भी एंड है, तो वन ये हुआ वन ये हुआ, लेकिन इन सब को कौन डिफाइन करता है? ईच। जब एज ए सब्जेक्ट ईच आ जाता है तो आप सिंगुलर यूज करेंगे। ओके थैंक यू सोनाली, आप भी बहुत अच्छे हो। ईच पेन एंड पेंसिल। अब ये मत बोलना कि मैम आपने बोला कि एंड कंजंक्शन से जुड़ा है तो ये प्लूरल बन गया, लेकिन ये भी देखना है हमें कि इससे पहले कुछ और भी आया है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है ना। देखो ईच इन सबको वन करके बता रहा है, ईच क्या बता रहा है? वन करके कि हर एक की बात चल रही है, एक पेन एक पेंसिल, एक पेन एक पेंसिल, प्लस नहीं हुआ है ये, इधर ईच बता दिया है ईच। और जहां एज ए सब्जेक्ट ईच का यूज हो जाए तो आप सिंगुलर यूज करेंगे, बाकी अभी नहीं समझ आया हो तो आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की क्लास देख लेना, सब समझ आ जाएगा, मैंने बिल्कुल अच्छी तरह से समझा रखा है। जब ईच आ जाता है तो हमें सिंगुलर यूज करना है, नॉट प्लूरल। यस लेट्स सी आंसर, ऑप्शन बी, वेरी गुड। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट पप्पी डैश कमिंग। देखो कितने कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ये सब, सोचोगे कि मैम ने अभी कुछ बताया था, अभी कुछ बता रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा सा समझने पे बात है। मैंने ये सारी चीजें बहुत डिटेल में समझाई है। अब यहाँ पर भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। अब आप ढूंढोगे इधर कि मैम इधर ईच नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज है जो मैंने सिखा रखी है। हाँ बिल्कुल राइट ऑप्शन आया है, वेरी गुड। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट पप्पी डैश कमिंग। अ ब्लैक एंड अ व्हाइट पप्पी डैश कमिंग। एक ये अलग है क्योंकि इसके साथ भी आर्टिकल लगा है, ठीक है, ये अलग है क्योंकि इसके साथ भी आर्टिकल लगा है, तो ये दो आर्टिकल हो गए, और इससे पहले कोई ईच एवरी नहीं है। व्हाइट कलर दिखाई नहीं दे रहा क्या? अ ब्लैक एंड अ व्हाइट पप्पी। हमें सिर्फ इधर से ये याद रखना है, अगर एंड के साथ जुड़े हुए वर्ड्स के साथ अलग अलग आर्टिकल आ जाते हैं तो वो प्लूरल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? वो प्लूरल बन जाते हैं, तो यहां पर हम यूज करेंगे प्लूरल का। इज इट क्लियर? एक और मैं बता देती हूँ पहले ही, अगर हम यहां पाते हैं अ ब्लैक एंड व्हाइट पप्पी, एंड व्हाइट पप्पी, इसमें बताओ आप लोग क्या फील करोगे? डैश कमिंग, जल्दी बताओ आप लोग इसमें क्या फील करोगे? अ ब्लैक एंड व्हाइट पप्पी। अब देखो अभी इसमें क्या देख लेना है, ज्यादा सेंटेंस में दूर जाने की जरूरत नहीं है, आपके सेंटेंस एरर में भी यूजफुल रहेंगे।
हमें देखना है कि सिर्फ वन टाइम आर्टिकल जुड़ा है, तो एक ही पप्पी की बात चल रही है, वन आपका पप्पी है, ये ही ब्लैक है और ये ही वाइट है, ठीक है। हाँ पप्पी नहीं बना है, ये थोड़ा सा अजीब सा बन गया, मैंने पप्पी बनाया भी नहीं, वैसे बस बता रही हूँ, एक चीज है और उसमें दो कलर है, ठीक है, तो आपका सिंगुलर आ जाएगा। इज इट क्लियर? बहुत ज्यादा टाइम हो गया है भाई, एक्सप्लेन करने में ना टाइम इतना चला जाता है, पता नहीं क्वेश्चन कंप्लीट होंगे कि नहीं, मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। चलो अभी फास्ट हो जाते हैं, अभी मैंने आप लोगों को समझा दिया है, ऑप्शन ए आर आ गया है। अ ब्लैक एंड व्हाइट कैट डैश कमिंग हियर, देखो जो मैंने अभी समझाया आप लोगों को उस टाइप से क्वेश्चन आ गया, तो इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है, जल्दी करें। मैं आप लोगों को सभी क्वेश्चन शो कर देती हूँ ताकि आप क्लास को पॉज करके फिर खुद कर लो। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। माय मदर एंड फादर गोन टू टेंपल, अभी देखो माय मदर एंड फादर है, यहाँ पर भी हमें आर्टिकल की तरह देखना है, वन प्रोनाउन से अगर जुड़ा हुआ है माय मदर एंड फादर, और साथ में वर्ब भी हमें देखनी पड़ेगी, वर्ब क्या है, गोन है, वर्ब क्या है, गोन, गोन थर्ड वर्ब है, तो इनमें से थर्ड वर्ब किसके साथ यूज होगी। ईच ऑफ दीज फोर पेंस डैश ब्लैक इच, क्योंकि ईच आ गया है। माई अंकल एंड गार्डियन डैश कम टू सी मी, माई अंकल एंड गार्डियन, फैमिली मेंबर में अगर जुड़ा हुआ होता है तो प्लूरल माना जाता है, दोनों माने जाते हैं उसमें, माई मदर एंड फादर आर माई पेरेंट्स, और ये फैमिली मेंबर नहीं है, माई अंकल एंड गार्डियन, इससे पहले प्रोनाउन नहीं है तो ये एक माना जाएगा, सो आंसर विल बी डी। नेक्स्ट माय अंकल एंड माय गार्डियन, अब इसमें दो जगह प्रोनाउन आ गया है, ठीक है, और ये फैमिली मेंबर नहीं है, इसलिए दो जगह प्रोनाउन से ही हम समझेंगे कि ये प्लूरल है। बिल्कुल छोटी ट्रिक आप लोगों को मैं बताती जा रही हूँ, ये ट्रिक कोई नहीं बताता है, आप सिर्फ बुक्स में देखते रहते कि कहाँ से ऐसे कैसे हो गया, बताते जाए क्लास कैसी लग रही है। अ पोएट एंड अ फिलोसोफर, अब देखो एक पोएट है और एक फिलोसोफर, दो जगह पे आपका आर्टिकल्स आया हुआ है, तो आप इससे देख ले, ऑप्शन बी प्लूरल हो जाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, 1 आवर हो गया है, ऑप्शन ए नेदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स, इधर नेदर जहां पर आपको मिल जाए तो वो सिंगुलर के साथ आते हैं, ठीक है। 29 क्वेश्चन हमने कर लिया था और बीच में ही आपके 30 क्वेश्चन आ चुके हैं सारे, तो थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, और क्लास की फीडबैक जरूर दे, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी है तो शेयर करें, लाइक करें, ताकि कल मैं और ज़्यादा क्वेश्चन लेके आऊँ आप लोगों के लिए, और मुझे अच्छा लगे कि हाँ भाई स्टूडेंट्स को अच्छा लग रहा है जो मैं समझाती हूँ, और अपने सभी स्कोर राइट करें किसके कितने स्कोर हुए हैं। ओके थैंक यू एवरीवन, 1 आवर हो चुका है बिल्कुल।